बड़े बुजुर्गों की ध्यान देने योग्य जरूरी बातें थोड़ा कीमती समय निकालकर जरूर सुने। लाल सब्जियां कौन सी होती हैं? इनमें सेहत के लिए क्या खास छुपा होता है? लाल रंग की सब्जियां जैसे टमाटर, लाल मिर्च, लाल प्याज और लाल गाजर लाइकोपीन से भरपूर होते हैं, जो आपकी त्वचा की रक्षा करते हैं। लाल रंग की सब्जियों में प्रोटीन और खनिज की मात्रा अधिक होती है। सब्जियों के गुणों के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कौन सी बीमारी में किस तरह की सब्जियां फायदेमंद हैं, इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि उसका सही तरीके से फायदा उठाया जा सके। नंबर एक, टमाटर का उपयोग सब्जी बनाने के साथ साथ सलाद, चटनी और सूप में बनाने के लिए भी किया जाता है। टमाटर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, चूना, गंधक, साइट्रिक एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस व विटामिन सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। एसिडिटी की शिकायत होने पर टमाटर की खुराक बढ़ाने से यह शिकायत दूर हो जाती है। टमाटर में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है। इसके अलावा टमाटर में अल्फा लिपोइक एसिड भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। नंबर दो, चुकंदर। चुकंदर खाना सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। सिर्फ चुकंदर ही नहीं, इसके पत्ते खाने से भी आपकी त्वचा के कई फायदे होते हैं। चुकंदर से सिर्फ डायबिटीज और एनीमिया में ही फायदे नहीं मिलते, बल्कि यह दिल को हेल्दी रखने में मदद करता है। चुकंदर के जूस से दिल की रोगियों की व्यायाम करने की क्षमता बढ़ने में मदद मिल सकती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, फाइबर, फॉलेट, विटामिन सी और नाइट्रोजन का भी एक बड़ा स्रोत है। इसे खाने से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। यह विटामिन ए सी का भी बेहतर स्रोत है। नंबर तीन, लाल मूली। सलाद में लाल मूली पसंद की जाती है। इसके अलावा मूली के पराठे भी बहुत पसंद किए जाते हैं। यह विटामिन सी, फॉलेट और पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है। सबसे बड़ी बात है कि आधा कप में केवल 9 कैलोरी होती है, जिस वजह से वजन कम करने वालों के लिए बेहतर विकल्प है। इससे फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिस वजह से आपको कब्ज और बवासीर जैसी समस्याओं में भी राहत मिलती है और आपका पाचन बेहतर रहता है। यह विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बेहतर स्रोत है। नंबर चार, गाजर। गाजर का रस शरीर को ताकत व आत्मबल को बढ़ाता है। गाजर हृदय की धमनियों को ठीक रखती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए गाजर फायदेमंद है। रोजाना गाजर का सलाद या जूस पीने से चेहरे पर चमक आती है। गाजर का रक्त व विक्स कम करता है और इसके सेवन से कील, मुहासे से भी छुटकारा मिलता है। आयुर्वेदिक में तो गाजर को कई मर्जों को एक ही दवा कहा गया है। गाजर में भरपूर मात्रा में कैरोटीनाइड, पोटेशियम, विटामिन ए और विटामिन ई जैसे ढेरों पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर आपको गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। नंबर पाँच, कमल ककड़ी। अपनी कम कैलोरी व उच्च फाइबर सामग्री के साथ कमल ककड़ी वजन प्रबंध के उद्देश्य में संतुलित आहार के लिए एक मूल्यवान अतिरिक्त हो सकता है। फाइबर तृप्ति की भावना प्रदान करने में मदद करता है, संभावित रूप से अधिक खाने को कम करता है और वजन नियंत्रण में सहायता करता है। नंबर छह, किडनी की समस्याओं में करेले का उबला हुआ पानी व करेले का रस दोनों ही बेहद लाभकारी होते हैं। यह किडनी की सक्रिय कर हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर करने में मदद करता है। नंबर सात, हृदय संबंधित समस्याओं को करेले का एक बेहतर इलाज है। यह हानिकारक वसा को हृदय की धमनियों में जमने नहीं देता, जिससे रक्तचाप व्यवस्थित बना रहता है और हार्ट अटैक का संभावना नहीं होती है। नंबर आठ, करेले की पत्तियों या फल को पानी में उबालकर इसका सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और किसी भी प्रकार का संक्रमण ठीक हो जाता है। नंबर नौ,
अस्थमा की शिकायत होने पर करेले का बेहद फायदेमंद होता है। दमा रोग के करेले के बगैर मसाले सब्जी खाने से लाभ मिलता है। नंबर 10, पेट में गैस बनने और अपच होने पर करेले का रस का सेवन करना अच्छा होता है, जिससे लंबे समय तक के लिए यह बीमारी दूर हो जाती है। नंबर 11, करेले का जूस पीने से लीवर मजबूत होता है और लीवर की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। प्रतिदिन इसके सेवन से एक सप्ताह में परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। इससे पीलिया भी लाभ मिलता है। नंबर 12, उल्टी या दस्त या हैजा हो जाने पर करेले के रस में काला नमक मिलाकर पीने से तुरंत आराम मिलता है। जोलदार की समस्या होने पर भी 2 चम्मच करेले का रस पानी में मिलाकर पीने से लाभ होता है। नंबर 13, खून साफ करने के लिए करेला अमृत के समान मधुमेह यह बेहद असरकार माना जाता है। मधुमेह में 1/4 कप करेले का रस उतने ही गाजर के रस के साथ पीने से लाभ मिलता है। नंबर 14, करेले में फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह कब्ज, कफ और पाचन संबंधित समस्याओं को दूर करता है। इसके सेवन से भोजन का पाचन ठीक तरह से होता है और भूख भी खुलकर लगती है। अदरक, नींबू और शहद का एक साथ सेवन करने से शरीर से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं को दूर करने में फायदेमंद होता है। जाने इसके फायदे और तरीका। शरीर को बीमारियों से मुक्त और शरीर को रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए अदरक, नींबू और शहद एक साथ बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेदिक में इन तीनों चीजों को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अदरक के प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और इसके सेवन से दिल से जुड़ी बीमारियों में भी फायदेमंद होता है। वजन कम करने के लिए भी अदरक का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा नींबू में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का एक काम करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी की प्रचुर मात्रा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। शहद में मौजूद खनिज और विटामिन भी शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अदरक, नींबू और शहद एक साथ खाने से आपको ये फायदे मिलते हैं। अदरक, नींबू और शहद एक साथ सेवन सर्दी और खांसी समस्या में बहुत फायदेमंद होता है। सर्दी और खांसी होने पर अदरक, नींबू और शहद के चाय का सेवन किया जाता है। शरीर में मौजूद बलगम को निकालने में, सांस से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए भी अदरक, नींबू और शहद का सेवन फायदेमंद होता है। आप सर्दी और खांसी की समस्याओं में 1 कप पानी में 1 चम्मच शहद और कुछ अदरक की टुकड़े लेकर अच्छी तरीके से उबाल लें। इसे 1 चम्मच नींबू के रस में मिलाएं, पिएं। सर्दी, खांसी और जुकाम में बहुत फायदा मिलेगा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य प्रक्रिया के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर यह नियम अपनाएं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही मैं बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे फिर इस तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।